यूजिंग अ विंडो मीडिया प्लेयर, तो वो हम कैसे यानी कि यूज़ करेंगे, इसमें हमें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये है कंप्यूटर साइंस क्लास सिक्स का यूनिट नंबर 3, यूजिंग मीडिया प्लेयर्स। मीडिया प्लेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर विच प्लेज अ वाइटल वीडियो एंड ऑडियो फाइल्स इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। दिस सॉफ्टवेयर कम्स विद द नेम ऑफ विंडोज़ मीडिया प्लेयर। इन दिस प्लेयर वी कैन वॉच मूवीज एंड लिसन टू सॉन्ग्स फ्रॉम सीडी डीवीडी और फ्रॉम ऑलरेडी स्टोर्ड वीडियो एंड ऑडियो फाइल्स इन द कंप्यूटर। यानी कि ये कंप्यूटर जो है विंडोज़ की यानी कि बिल्ट इन के विंडोज़ में आता है विंडो मीडिया प्लेयर्स। तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जो ऑलरेडी कंप्यूटर आपके हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा है, पिक्चर्स हैं, मूवीज़ हैं, लेक्चर्स हैं, या तो उसके ज़रिए सुन सकते हैं, या आपने सीडी डीवीडी इसमें डालनी है उसके ज़रिए आप सुन सकते हैं। इसके अलावा दूसरा सोर्स एक और भी है जिसके ज़रिए आप यूएसबी लगाएं और यूएसबी में आपका जो डाटा है, जो पिक्चर्स हैं, मूवीज़ हैं, सॉन्ग्स हैं, ऑडियो वीडियो, वो आप दे सकते हैं। तो हमने ऑपरेट कैसे करना है, तो जैसे ही है ओपनिंग विंडो मीडिया प्लेयर, क्लिक स्टार्ट पे जाएँ, पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम्स एसेसरीज एंड इंटरटेनमेंट्स। तो क्लिक विंडो मीडिया प्लेयर्स, जिस तरह के ये डेस्कटॉप पे स्क्रीन है, स्टार्टअप बटन्स, देन ऑल प्रोग्राम्स, इस तरह की ये विंडो अपीयर होगी। और इसमें एसेसरीज में जाएंगे, एसेसरी में जाने के बाद इंटरटेनमेंट और विंडो मीडिया प्लेयर। हर विंडो की अपनी अलग-अलग यानी कि डेस्कटॉप होता है। तो इसमें ये है जो इस तरह का, ये आप जब विंडो मीडिया प्लेयर को क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का ये आइकन आएगा। तो आप देखेंगे सबसे पहला जो ऊपर वाला है ये मेन्यू बार है, ऑटो हाइड मेन्यू बार, तो सीक बार, रिविंड यानी कि ये मुख्तलिफ इसके ऑप्शन हैं, रिविंड बटन्स, प्ले पॉज बटन्स, स्टॉप बटन, प्रीवियस बटन, नेक्स्ट बटन, म्यूट, वॉल्यूम स्लाइडर, फास्ट फॉरवर्ड बटन्स। तो ये इसके हम आगे यानी कि इसके प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो देखते हैं यूजिंग प्लेबैक कंट्रोल्स जो है, ये इस तरह के बटन होंगे, मसलन प्ले है, इसके जरिए इस बटन के जरिए आप पॉज करेंगे, ये स्टॉप बटन के लिए यूज़ होता है, ये फास्ट फॉरवर्ड एंड रिवेंट्स, ये दोनों ये रिवेंट के लिए है और ये फास्ट फॉरवर्ड के लिए बटन यूज़ होगा। तो इसमें हमारा ये जो है एडजस्ट वॉल्यूम एंड म्यूट, तो इसको हम अगर आपने आवाज़ इसकी ज़्यादा करनी है तो इसको राइट की तरफ करेंगे, अगर कम करनी है तो लेफ्ट की तरफ करेंगे, और अगर इसको म्यूट करना है, इसकी आवाज़ बंद करनी है, तो इस जो स्पीकर आई का आइकन है इसको इसके क्लिक करेंगे। तो प्लेइंग अ रिकॉर्ड क्लिप फ्रॉम द सीडी डीवीडी, अगर आपने का सीडी डीवीडी के ऊपर आपका है तो आपने इसको ये देखें, ये इसका इस तरह का विंडो का टैब खुल जाएगा जिसमें इसमें सीडी डीवीडी का ये आइकन है, इसको आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का आइकन खुल जाएगा। और इसमें जो है MPGE GAGV फोल्डर जो है वो खुलेगा, और आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो आपकी जो वीडियो जो है ऑडियो जो है वो चलना शुरू कर देगी। तो मसलन जिस तरह का ये शो किया हुआ है, इस तरह का ये टॉम एंड जेरी का एक जो वीडियो है वो चल रही है जिस तरह शो करते हैं। तो हम इसको, इसके अलावा आप जो है इसमें से हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो जिस तरह के हम देखते हैं विंडो मीडिया प्लेयर में गए और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं MEDIA मीडिया प्लेयर, तो विंडो मीडिया प्लेयर ये आ जाएगा हमारे पास। सपोज ये हार्ड डिस्क के अंदर कुछ ऑडियो या वीडियो के सॉन्ग पड़े हुए हैं, हमने कैसे सेलेक्ट करनी है, ये सपोज मेरे पास डी ड्राइव में है तो डी ड्राइव में सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें से देखते हैं ये सपोज आइकन है ये इस तरह का, हम इसमें से कोई सॉन्ग है इसको रन करके देखते हैं, ओपन। अब ये देखेंगे तो ये जो है सॉन्ग है, ये इसको हम यानी कि बड़ा भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, ये देखें फुल स्क्रीन पे आएगा। और इसको असल ये हमने हार्ड डिस्क पे हमारा सेव है,
हम इसको यानी कि इसको आगे शफल कर सकते हैं, जहाँ से आप चाहें उसको वहाँ से ले सकते हैं। तो इसको हम मिनिमाइज करते हैं, और इसके अलावा हम अपनी मर्जी का पल्स या टॉम एंड जेरी जो है वो उसका यानी कि लेते हैं। इसको मैंने स्टॉप किया, आप देखें। इसके अलावा इसका आवाज़ जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें। और इसको हमें आवाज़ को म्यूट कर रहा हूँ, यहाँ इसकी सपोज इसकी आवाज़ बंद कर दी हमने, तो इसको जो ये देखें इसको स्टॉप किया, और ये रिविंड करने से इसे ये पीछे जाएगी, और ये इसको फॉरवर्ड करने से ये इसका आगे जाएगी। इसके मैंने इसकी साउंड खोलता हूँ, और इसका ये मुख्तलिफ हम आगे पीछे करके इसको देखते हैं। तो इसके अलावा हम अपने अगर आपका जो पीसी है लैपटॉप का ये पीसी है वो इंटरनेट के साथ अटैच है, तो हम डायरेक्ट इंटरनेट से भी इसकी ले लेते हैं। सपोज यहाँ हम यूट्यूब में गए, और यूट्यूब में जाने के बाद अभी हमने देखते हैं ये यूट्यूब खुल गई, और हम बच्चों के लिए फ़र्ज़ के टॉम एंड जेरी देखना चाहते हैं। ये हमारा टॉम एंड जेरी की वीडियो हमें चाहिए, वो हम देखना चाहते हैं। तो देखते हैं ये टॉम एंड जेरी की आ गई। सपोज इसी से हम इसको कोई रन करके देखते हैं वीडियो। ये ऐड है, इसमें से इसको रन प्ले करते हैं, तो स्किप द एड्स। अब हमारा ये टॉम एंड जेरी चलना शुरू हो जाएगा कार्टून, देखेंगे ये वेरी फनी कार्टून है, टॉम एंड जेरी है। तो ये बच्चों में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, तो बच्चे जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें एक जो है वो माउस है, तो वो हमेशा यानी कि कैट के साथ उसका हमेशा जो है बनती नहीं है, वो झगड़ा रहता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो कैट है वो इसके साथ यानी कि ये फन का यानी कि फनी वीडियो बनी हुई है। तो हम इसको अब क्लोज़ करते हैं। तो आते हैं हम अपने असल टॉपिक के साथ, फ़र्ज़ किया इसमें इसके अलावा हमारे पास यानी कि इसको और कोई देखना चाहते हैं हार्ड डिस्क के साथ, इसको हमने ये इसमें गए और फिर अपने आप हार्ड डिस्क में से इसको चूज़ करें कोई, तो एनी अदर वीडियो हम इसका सपोज ये देखते हैं, इसको ओपन करें। तो क्योंकि ये हार्ड डिस्क से ले रहा है डाटा, तो आप अपने इसको छोटा बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो ओके, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।